तो क्वार्टर में पानी घुस रहा है, नाला इतनी को बनाए हुए पानी जेब नहीं करता है, घर में पानी घुस जाता है। बिजली का जो लाइन है सब जर्जर हालत, जरा से बरसात हो जाती है आधा घंटा भी अगर बरसात हो जाती है पूरे सड़क पे नाली पानी जम जाती है। पिछले 5 साल नहीं, पिछले 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं, कभी उछल के उधर जाते हैं कभी उछल के इधर। नमस्कार, DTW24 न्यूज के चुनावी एक्सप्रेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं फुलवाड़ी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे आज हम जानेंगे कि यहां के मौजूदा विधायक बीते 5 सालों में क्या कुछ काम किया है, फुलवाड़ी शरीफ कितना विकास किया है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जो जनता है वह पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में है और किसे वोट देगी या फिर नहीं देगी इस बात को लेकर भी जनता सोच रही है। आइए जानते हैं जनता का क्या मिजाज है, इस बार किसे विधानसभा चुनाव में अपना विधायक बनाएगी विधानसभा फुलवाड़ी शरीफ की जनता। क्या लगता है आप अपने विधायक के कामकाज से कितना प्रभावित हैं या फिर संतुष्ट हैं? विधायक तो हमारे यहाँ के जो हैं श्याम रजक जी अच्छे विधायक हैं, ऐसा बात नहीं है, काम भी उनका इस एरिया में काफ़ी अच्छा हुआ है। तो वही थोड़ी सी उनमें गलती यही है हमारे समझ से कि कभी उछल के उधर जाते हैं कभी उछल के इधर आते हैं, यही उनकी गलती है। नहीं तो ऐसे विधायक अच्छे हैं हम लोगों के, हर फुलवाड़ी नगर परिषद के एरिया में हर जगह उनका काम है। विधायक के अनुसार कोई काम ना हुआ है, देख लीजिए फुलवाड़ी शरीफ में कचरा उतना ही है, नाला सब जाम है, ये है, ईसोपुरा रोड में जाइए, आज के डेट में जाने पर आपका पैंट बिना उठाए हुए आप जा नहीं सकते, यही तो विकास हुआ है। नाला सब जहाँ तहाँ सब कबड़ा हुआ है, बिजली का जो लाइन है सब जर्जर हालत में है, यही तो विकास के काम है और का बतला है। हम लोग वोट नहीं देंगे, किसको वोट देंगे? हम लोग बीजेपी को देंगे, जो उसका सहयोगी रहेगा एनडीए का उसको हम देंगे, यानी कि एनडीए को वोट देंगे। हाँ एकदम एकदम एकदम, स्वर्ण आरक्षण के वक्त उछल कूद काफ़ी कर रहे थे तो ये चलते हम लोग भाई स्वर्ण है, हम लोग नहीं देंगे उनको वोट, हर हालत में नहीं देंगे। जितना काम होना चाहिए जमीनी स्तर पर उस प्रकार से तो हमको इस विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं दिखा। विधानी क्षेत्र का जमीनी काम का मतलब है जैसे नाला वगैरह का निकासी का व्यवस्था जो संपूर्ण होना चाहिए वो व्यवस्था ढंग से हमारे क्षेत्र में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ बाहर में जो नाली लगा इसमें कचरा लगा हुआ है, बारिश होता है 2 घंटा बारिश हो जाता है पूरा ठोने भर पानी चला आता है। तो ये सब व्यवस्था जो मूलभूत व्यवस्था जो समाज से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे गरीब लोगों का यहाँ पर ठेला लगता है, बहुत सारे लोगों का दुकान लगता है जिससे 2 पैसा वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कमाते हैं, तो ये जो मूलभूत संरचना जो है ज़मीनी स्तर पर पहले इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो माननीय श्याम रजक जी से जो हमारे क्षेत्र के विधायक है मैं उनसे इतना ही अनुरोध करूँगा कि वो धरातल पर आएँ, धरातल पर आ करके प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को देखें और देखने के बाद जो सही ढंग से काम होता है उस ढंग को उस काम को सही ढंग से करवाएं। आप अपने विधायक जी के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं जो बीते 5 साल में काम किया उन्होंने? मैं अपने विधायक जी के काम से 1% भी मतलब खुश नहीं हुआ। आज रोड की स्थिति देख लीजिए क्या है, जरा से बरसात हो जाती है आधा घंटा भी अगर बरसात हो जाती है पूरे सड़क पर नाली पानी जम जाती है, नाली के पानी ऊपर आ जाती है, आदमी को आने जाने में तकलीफ़ हो जाती है। आप इसका उदाहरण रोड पे ही देख लीजिए क्या हाल है, ये मेन रोड में है सुबह से लेकर रात तक ही जाम लगा रहता है, इसके लिए ना कोई मतलब की व्यवस्था है ना कि कुछ है कि आखिर आदमी करे तो क्या करे, त्राहिम त्राहिम हम लोग जी रहे हैं, बस जिसी तरह हो मतलब कि जीने के लिए जो भी कुछ करना हो बस हम लोग अपने मन से जी रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार किसको मौका दीजिएगा, श्याम रजक को दोबारा मौका दीजिएगा? नहीं इस बार उनको किसी और को, नहीं किसी और को इस बार हम लोग अगला कैंडिडेट मतलब कि बनाने के लिए सोचे। श्याम रजक ने अभी 15-20 साल से जो भी मतलब विधायक क्षेत्र में रहे हैं 1% भी उन लोगों ने काम नहीं किया। किसी और को दीजिए तो कौन से पार्टी का होगा या फिर आपके नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि ईमानदार छवि का हो जो क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सके? अभी मतलब कि जितना भी चुनाव दल हैं अपने अपने कैंडिडेट घोषित करें कि यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कैंडिडेट हम लोग के लिए मतलब कि काम कर सकता है उसको ही हम लोग वोट देंगे। हम लोग आम जनता हैं, हम लोग को काम चाहिए, रोटी कपड़ा मकान नौकरी यही चाहिए हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। कहीं ना यह है कि नाला रोड कुछ नीचे बनाते हैं, इतना पानी में घुस के आते हैं जाते हैं तो क्या करते हैं, तो इससे बनिया कि हम दूसरा नेता अपना चुनेंगे। दूसरा किसको चुनिएगा? जे मन होगा जे चुनेंगे, जो बढ़िया रहेगा उसी को चुनेंगे। कौन पार्टी का होना चाहिए? किसी पार्टी को रहे बढ़िया करेगा उसी का चुनेंगे। आप अपने विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं?
विधायक के काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। मतलब क्यों नहीं संतुष्ट हैं? काम नहीं किया क्षेत्र में? कुछ नहीं, फुलवारी शरीफ में कुछ नहीं किया। लेकिन विधायक जी का दावा है कि बहुत विकास हो रहा है क्षेत्र में। विकास हो रहा होगा सेंट्रल के या पर, लेकिन ऐसा लोकल वाले विधायक से कुछ नहीं लेंगे। तो इस बार मौका किसको दीजिएगा आप? जो अच्छा रहेगा उसको हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद में समझने के बाद अपना मत देंगे। पिछले 5 साल नहीं, पिछले 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर फुलवारी का नक्शा देखा जाए जो पहले था वो आज भी है, और उससे कहिए तो उससे और बुरा हाल है। आधा घंटा बारिश हो गया तो आपको हाफ पैंट पे आ जाना पड़ेगा। ये हालात, गली का हालात ये है कि कादो कीचड़ नाली तो निकास है ही नहीं, निकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। तो इस बार श्याम रजक जी को हम लोग वोट नहीं देंगे। विधायक जी का दावा तो है कि बहुत विकास हो रहा है क्षेत्र में। तो आप विजिट कर रहे हैं ना, आप रोड विजिट करिए, और विजिट करना है फुलवारी को अगर सही में पकड़ना है तो आप जिस टाइम बारिश हो उस टाइम आया करिए, ताकि आपको पता चले पूरा जलमग्न हो जाता है। तो देख लीजिए हालात, आप देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, आप अंदर नौसा करबला की तरफ चल रही है, नौसा पंचायत बहुत बड़ा पंचायत, वहाँ एंट्री कर जाइए, एंट्री कर ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाइएगा ना। दुनिया भर का फ्लैट। तो क्या लगता है इस बार सीएम राजा को फिर से मौका दीजिएगा या फिर चेंज करना पड़ेगा? एकदम इस बार चेंज है। किसको लाएगा? विनोद दास। किसको? जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी को लाएंगे। जाप को क्योंकि जो बिना सत्ता में रहे हुए इतना काम वो कर दिए हैं, अगर सत्ता में आएंगे तो वो कितना काम करेंगे। अभी भी लोग महागठबंधन और चुनाव प्रचार में लगे हुए, लेकिन पप्पू यादव एक ऐसा सख्त है जो अभी भी लोगों के बीच उनके दुख को बांट रहा। नहीं कुछ नहीं, श्याम रजक तो कुछ नहीं यहाँ के बारे में सोचा है आज तक नहीं, कि जहाँ तहाँ नाला भसल है, टूटल है, घर में पानी घुस रहा है, कोई देखी वाला ना है। लेकिन दावा तो करते कि फुलवारी के लिए कुछ काम किया? नहीं जी, हम लोग के तो क्वार्टर में पानी घुस रहा है, नाला इतनी को बनाए हुए पानी जेबे नहीं करता है, घर में पानी घुस जाता है। तो इस बार फिर से मौका देंगे श्याम रजक को या फिर किसी और को बुलाएंगे? ना, दूसरा को बुलाएंगे। 15 साल से जीत रहे, कुछ कर ही ना रहे, तो उनका दूसरा कौन होगा? दूसरा जो आएगा, बढ़िया देखा जाएगा, बढ़िया जो कैंडिडेट आएगा उसी को वोट देंगे। बढ़िया इसमें कौन पार्टी का, कौन किस पार्टी का होना चाहिए? अब कौन पार्टी आएगा, निर्दलीय आता है, लालटेन आता है, नीतीश कुमार आते हैं, जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उनको वोट देंगे। अच्छा, बढ़िया कैंडिडेट का मतलब क्या सोच के, मतलब कैंडिडेट कैसा बढ़िया में कैसा होना चाहिए? जो आदमी काम करने लायक है उसी को वोट देंगे। ये तो काम कुछ किया नहीं 15 वर्ष रह के, अब जो जनता का निर्भर है, जो करेगा वही ना होगा। हमरा एगो वोट देवे से वो जीतेंगे नहीं ना हारेंगे, वो तो सब जनता के ऊपर है। आप विधायक जी के काम से कितना संतुष्ट हैं, क्या लगता है? हम संतुष्ट ना है। काहे नहीं संतुष्ट है? संतुष्ट देख ही रहा है, गरीब आदमी खाइल बिना मर रहा है, अजीब वाला संतुष्ट का, कोई के पैखाना है तो कोई के नल नहीं है। विधायक जी का दावा है कि बहुत विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं भाई। किसको मौका दीजिएगा इस बार? किसको मौका दीजिएगा? अभी दूसरा का मौका दिया जाएगा। दूसरा में किसको, कौन पार्टी को? अब पार्टी को तो हमको पता नहीं कि कौन कौन का टिकट मिला है। अच्छा, पता चलेगा तो ना। तो आपने देखा फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं अपने विधायक श्याम रजक से नाराज है, और एक अच्छा सा नाम दे दिया है जो नाम है पलटू राम। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता था, और श्याम रजक जिस तरीके से साल 2005 में पहली बार राजद के टिकट से विधायक बने थे, उसके बाद साल 2010 में आके वो जदयू में शामिल हुए और अभी तक विधायक हैं, और फिर इसी साल हाल ही में जब वापस राजद में शामिल हुए, जिसको लेकर पलटू राम नाम दिया यहाँ की जनता ने अपने विधायक श्याम रजक को। अब देखने वाली बात ये होगी कि विकास का काम तो कुछ खास नहीं किया श्याम रजक ने, अब एक बार फिर से फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र की जनता एक बार फिर से अपना विधायक चुनती है या फिर नहीं चुनती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमसे जुड़े रहे, फिलहाल के लिए धन्यवाद।